हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मामा अर्थ विटामिन सी ब्राइटनिंग फेशियल। इसके 6 स्टेप हैं और इसमें 24 मंथ्स की एक्सपायरी डेट है, तो ये 2 इयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये फेशियल किट मंगाते हो तो आप इसको घर में 2-3 टाइम यूज़ कर सकते हो। और ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ये ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन के चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, किसी भी टाइप स्किन वाली इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको इजीली आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। हम सलून जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और इतना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ जाके, तो बेटर है कि कभी हमारे पास टाइम नहीं होता। और स्पेशली सब कोविड टाइम में, पेंडेमिक टाइम में सीख गए हैं कि घर में अपनी ही टेक केयर कैसे करना है। तब उस टाइम हम सलून नहीं जा पा रहे थे, तो उसी टाइम मैं भी सीखी। उसी टाइम मैंने इसको एक बार ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया हुआ है। तो मुझे इसका ये वाला फेशियल बहुत ही अच्छा लगा। इसके 6 स्टेप लिखे हुए हैं बैक साइड, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट में क्लींजिंग के लिए है, सेकंड वन स्क्रब है जो 2-3 मिनट्स करना है, और कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हुए हैं सारा कुछ इसमें मेंशन है। और फिर थर्ड में हमको 2-3 मिनट मसाज करनी है। फोर्थ वाले में जो क्रीम दिया हुआ है उसका अपवर्ड सर्कुलेशन मोशन में 5-10 मिनट मसाज करना है। उसके बाद जो क्रीम, जो मास्क है उसको 15 मिनट्स हमको अपने फेस पर अप्लाई करके ड्राई होने तक रखना है। फिर उसके बाद बेड क्लॉथ से उसको ड्राई मतलब क्लीन कर लेना है। आफ्टर दैट जो मॉइस्चराइजर क्रीम है उसको अप्लाई करना है। और उस मतलब जिस दिन आप ये फेशियल करते हैं उस दिन आप कोई और दूसरा क्रीम प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिएगा, तो आप इसका असर और अच्छा देख सकते हैं। और जो लोग नॉर्मली फेशियल वगैरह करवाते हैं उनको पता है कि जिस दिन हम फेशियल कराते हैं उस दिन से ज़्यादा नेक्स्ट 2-3 डेज में फेस पर ज़्यादा ग्लो आता है। तो ये फेशियल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं आज आपको इसको करके दिखाऊंगी। तो मैंने अभी अच्छे से फेस क्लीन कर, और ये इस तरीके की कुछ पैकिंग में आया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें वन बाय वन आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसका फेस क्रीम, ये है से फेस वॉश कर लेना है और टॉवल से अच्छे से फेस ड्राई कर लेना है। तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। तो अच्छे से वॉश कर, फर्स्ट है क्लींजिंग, इसको करना है। तो फर्स्ट ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से पूरा पैक आया हुआ है। कभी कई लोगों को डाउट होता है कि ओपन आता है, तो ये ओपन नहीं है, ये फुल पैक है। तो इसको ओपन करना है और इसको फर्स्ट स्टेप में हमको पहले इसको ओपन करना है। फिर उसके बाद इसमें जो है क्लीनिंग करने के लिए उसको हमको या तो वाइप से या कुछ इस तरीके का आपके पास पैड है, कॉटन है, तो उस पर निकाल लेना है और हमारे फेस पर जेंटली अप्लाई करना है पूरे फेस पे। तो ये मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा और वापस लेके आपको अपने नेक पे भी अप्लाई कर लेना है अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है फेस पे अच्छे से हम फेशियल वगैरह कर लेते हैं और नेक पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो नेक और फेस थोड़ा अलग अलग दिखता है। तो इसलिए हम अच्छे से अपने नेक पे भी, और अगर आपको फेस पे लगता है कि अच्छे से नहीं अप्लाई हुआ है तो आप अच्छे से उसको अप्लाई कर लें। और ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन एब्जर्ब कर लेगी, क्योंकि हम फेस वॉश करने के बाद कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका फर्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे। ये करने के बाद सेकंड स्टेप है स्क्रब। तो हम थोड़ा सा स्क्रब अपनी फिंगर पे ले लेंगे और इसको छोटे छोटे इस तरीके से अपने फेस पे कर देंगे और इसको ना सर्कुलेशन मोशन में ऐसे हम स्क्रब करेंगे। थोड़ा हमको नेक पे भी लगा लेना है और इस तरीके से पूरे फेस पे सर्कुलेशन मोशन में करना है और थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन वाटर लेके अच्छे से स्क्रब कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में वाटर यूज करिए जिससे वो अच्छे से पूरे फेस पे रहेगा। नोज वाले पोर्शन पे आपको इस तरीके से करना है कुछ, और यहाँ
अपने आईज वाले एरिया से दूर रखना है। एकदम हल्के हाथ से स्क्रब करना है। इसके बाद आपको ड्राई एक बेड क्लॉथ लेना है और उससे बेड क्लॉथ से हल्के हाथ से पोंछ लेना है। पोंछ के पूरे फेस स्क्रब के बाद क्लीन कर लेना है। उसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्रीम लेना है, एकदम ये एलोवेरा का टेक्सचर होता है ना उस तरीके की है। इसको हमारे फेस पे हमको लगाना है और अच्छे से 2-3 मिनट नेक लाइन पे भी लगाना है और अच्छे से 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करनी है, जब तक कि क्रीम फेस को एब्जर्व ना कर ले। एकदम हल्के हाथ से जेंटली मसाज करनी है और ये 1-2 मिनट में सारी ही क्रीम हमारा फेस एब्जर्व कर लेगा। आप देख सकते हैं एकदम एब्जर्व कर लिया है। उसके बाद है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको इस क्रीम से 5 to 10 मिनट्स मसाज करनी है। इसके पहले वाले थर्ड स्टेप में आपको 2 से 3 मिनट मसाज करनी है जब तक सारी क्रीम एब्जर्व ना कर ले। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको 5 to 10 मिनट मसाज करनी है और वो एकदम ट्रांसपेरेंट थी और ये वाइट कलर की क्रीम है, तो आप इसको अच्छे से लेने के बाद और इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से पूरे फेस पे लगा लेंगे ऐसे, और नेक लाइन पे भी थोड़ा सा और लूंगी मैं और नेक लाइन पे लगाऊंगी। फिर इसको अच्छे से थोड़ा बीच बीच में वॉटर लेके अच्छे से मसाज करना है। वॉटर की हेल्प से जेंटली मसाज करना है। इस पे सारी ही डिटेल लिखी हुई है कि आपको कैसे फेशियल करना है, सर्कुलेशन मोशन में आपको करना है या अपवर्ड मोशन में कैसे करना है, सारा ही डिटेल दिया हुआ है। आईज से दूर रखना है एकदम। अच्छे से मसाज करने के बाद इसको भी हमको सूखे कपड़े से पोंछ लेना है अच्छे से। यहां से ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे दोनों थंब रख के लाइक दिस और ये ऐसे। ये अच्छे से मैंने मसाज करने के बाद अब इसको मैं ड्राई क्लॉथ से, ड्राई और ध्यान रखना है कि क्लीन होना चाहिए क्लॉथ, तो ड्राई क्लॉथ से अच्छे से जो भी क्रीम बची है लेफ्ट ओवर उसको पोंछ लेना है। और ये है फिफ्थ स्टेप, ये फेस मास्क है। चाहे तो आप इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मुझे हैंड से लगाना ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं अपने हैंड और फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, आपको जैसे ही कंफर्टेबल हो आप वैसे लगा सकते हैं।
मैंने अपने फेस पे अच्छे से ये मास्क लगा लिया है। अब ये 10 to 15 मिनट्स लगा के रखना है, जब तक कि फेस ड्राई ना हो जाए, उसके बाद वॉश करना है। तो चलते मिलते हैं ड्राई होने के बाद। तो 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा फेस फुल ड्राई हो चुका है, तो अब मिलते हैं फेस वॉश करने के बाद। और अभी मैंने अपना फेस अच्छे से पोंछ के ड्राई कर लिया और आप देख सकते हैं ग्लो, हल्का हल्का ग्लो आ गया है। और आफ्टर दैट है 6th स्टेप, टेक द क्रीम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जेंटली मसाज इट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक। सो 6th स्टेप करेंगे इसको हमारी फिंगर पर। इस फेशियल को कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कोई भी फेशियल हम घर में कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी फेशियल पे किट ऑर्डर करते हैं तो उस पर सारा लिखा रहता है स्टेप वाइज। अभी मैं इसको यूज़ करने के बाद आपको सारा रीड करके दिखाऊंगी और फोटो भी शेयर करूंगी, ताकि आप रीड करके इजीली, आपको हेल्प मिले। अगर आप फेशियल करना चाहते हैं घर में तो इजीली कर सकते हैं। ऐसा नेक लाइन पे भी लगाएंगे। वो फेस मास्क लगाने के बाद हल्का सा फेस जो ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद ये क्रीम यूज की जाती है, तो थोड़ा स्किन में मॉइस्चर आ जाता है और मेरे फेस ने सारी ही क्रीम एब्जॉर्ब कर ली है। उसके बाद थोड़ा ऐसे इस तरीके से करना है, जिससे स्किन टाइट हो जाती है। और आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है और फेसियल करने के बाद काफ़ी बेटर फील हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे फेस का ग्लो। आफ्टर बिफोर मैं फोटो मेंशन कर दूंगी। आप कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ है, जस्ट हेयर्स ओपन कर लिया और आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं, एकदम शाइनिंग ग्लो हो गया है। और ये जो मैंने आपको बताया, इसके इस पर सारा ही बैक साइड में सारा ही डिटेल लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में करना है मसाज, मसाज द प्रोडक्ट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक जेंटली बाई विथ कॉटन। एंड सेकेंड स्टेप में मसाज द स्क्रब ऑन योर फेस एंड नेक फॉर 2-3 मिनट्स, रेज ऑफ एंड पैट पैट ड्राई। आफ्टर थर्ड मसाज द जेल फॉर 1-2 मिनट्स अंटिल कंप्लीटली एब्जर्ब दैट क्रीम। एंड फोर्थ में मसाज इन अवर्ड सर्कुलेशन फॉर 5-10 मिनट्स, पोस्ट मसाज जेंटली वाइप ऑफ विद द वेट क्लॉथ, थोड़े से हल्के से गीले क्लॉथ से पोंछ देना है। आफ्टर फिफ्थ में अप्लाइड द जेंटली लेयर 5 to 10 मिनट्स। जैसे ही आपका फेस मास्क ड्राई हो जाता है, आपको अच्छे से क्लीन वाटर से पूरा फेस और नेक लाइन वॉश कर लेनी है और क्लीन ड्राई टॉवल से अपना फेस ड्राई कर लेना है। आफ्टर दैट 6th स्टेप है विटामिन क्रीम है, जो टेक द क्रीम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जेंटली मसाज इट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक। तो इस पे सारा ही डिटेल लिखा हुआ है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या लगा, ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, तो मतलब जितना यूज़ करना है करो और उसके बाद आप रख सकते हो। और इसको इस पे तो लिखा हुआ है कि आप इसको 6 6 स्टेप सिंगल यूज़ किट, बट इसको 2-3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम फेस और बस ये नेक पे करते हैं ना। अगर आप पूरा बैक और नेक करोगे तो भी आप 2 टाइम्स इस किट को यूज़ कर सकते हो। और ये विटामिन सी फेशियल किट है विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक, और ये ऑल स्किन टाइप है, डर्मालॉजिक टेस्टेड है और मेड सेफ है। और इसका डायरेक्ट आईज के यहाँ नहीं करना है, तो हम नॉर्मली भी अगर फेशियल, कोई भी फेशियल करते, इवन हम घर की होममेड रेमेडी भी यूज़ करते हैं, तो भी हम इतना गैप लेने के बाद करते हैं। तो ये आप अगर यूज़ करते हैं तो आप घर में भी इसको यूज़ कर सकते हो, और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिकॉर्ड करके ऐसे डाल भी देती हूँ, जो भी चाहे वो अपना जूम करके पॉज करके वीडियो को रीड भी कर सकता है। इसमें सारा ही डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, कितनी कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं और कैसे इसको यूज़ करना है, सारा ही डिटेल दिया हुआ है, बैक साइड और फ्रंट साइड भी।
कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये मेड सेफ है, डर्मालोजिस्ट टेस्टेड है और सूट ऑल स्किन टाइप, 6 स्टेप हैं फॉर ऑल स्किन टाइप विद विटामिन सी और टर्मरिक। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।